कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सब ठीक तो हो ना? आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसे सुनना और समझना आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। बच्चों, चाहे आपका स्कूल हो, पार्क हो, आपका घर हो, जहाँ भी आप रहते हो, अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ हमेशा एक होकर रहना चाहिए, क्योंकि बेटा एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो लोग एक होकर नहीं रहते या फिर जो किसी के कहे सुने में आकर अपनी एकता की ताकत को तोड़ते हैं, वो जीवन में पछताते हैं। चलो ये बात आपको इस कहानी के जरिए समझाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में तीन बैल रहा करते थे। तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। घास चरने के लिए जंगल में एक साथ ही जाया करते। जिस जंगल में ये तीनों बैल जाते थे, उसी जंगल में खूंखार शेर भी रहता था। शेर कई दिनों से तीनों बैल पर नजर बनाए हुए था। इन तीनों को मारकर खा जाना चाहता। उसने कई बार बैलों पर हमला भी किया, लेकिन बैलों की आपसी दोस्ती के कारण वो कभी उनका कुछ ना बिगाड़ सका, क्योंकि शेर ने जब भी उन पर हमला किया, तीनों बैल ने त्रिकोण बनाकर अपने नुकीले सींगों से अपनी जान की रक्षा की। तीनों बैल एक साथ मिलकर कई बार शेर को भगा चुके थे, लेकिन शेर भी बड़ा जिद्दी था और तीनों को खाना चाहता। शेर ये समझ गया था कि जब तक ये तीनों साथ रहेंगे, उन्हें मारा नहीं जा सकता। इसीलिए उसने एक दिन तीनों को अलग अलग करने के लिए चाल चली। शेर ने बैलों को अलग करने के लिए जंगल में एक अफवाह उड़ाई। अफवाह ये थी कि तीनों बैलों में से एक बैल अपने साथियों को धोखा दे रहा है। बस फिर क्या था, बैलों के बीच इसी बात को लेकर शक बैठ गया। आखिर वो कौन है जो हमें धोखा दे रहा है? सबके मन में सवाल आया। एक दिन इसी बात को लेकर तीनों बैलों में झगड़ा हो गया। शेर ने जो साजिश रची थी वो सफल हो गई। अब तीनों बैल अलग अलग रहने लगे। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी, अब वो अलग अलग होकर जंगल में चरने जाने लगे। बस शेर को तो इसी मौके का इंतजार था। शेर ने एक दिन उन तीनों बैलों में से एक पर हमला बोल दिया। अकेले पड़ जाने की वजह से वो बैल शेर का मुकाबला नहीं कर पाए और शेर ने उसे मार डाला। कुछ दिनों के बाद शेर ने दूसरे बैल पर भी हमला कर दिया और उसे भी मार कर खा लिया। अब भाई सिर्फ एक बैल बचा था। वो समझ गया था कि शेर अब उसको भी मार डालेगा। उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन जब वो जंगल में घास चरने के लिए गया, तो शेर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। शेर की चाल पूरी तरह से कामयाब हो गई और उसने तीनों बैलों की दोस्ती तोड़कर उन्हें अपना शिकार बना। तीनों बैल आपस में लड़े और अपनी जान गंवा गए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? और हाँ, ये भी बताओ कि ये कहानी हमें क्या सीख देती है? ये कहानी हमें सीख देती है कि एकता में बड़ी ताकत होती है। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे घर परिवार हो या फिर तुम्हारे दोस्त हो। एकता की शक्ति से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं। लेकिन अपनों से अलग होकर, अपनों से लड़कर, अलग अलग होकर हम जीवन की कोई जंग नहीं जीत सकते। इसलिए बेटा सदा एक होकर रहो। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे एक और मजेदार कहानी।